आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे हम एक्सेल में कोई और डेटा को इंपोर्ट करते हैं, तो उसी चीज को हम यहाँ फॉलो करते हैं। अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में बताया कि हम डेटा व्यू में जाते हैं, गेट डेटा पे जाते हैं और फ्रॉम फाइल हम एक्सेल वर्कबुक या कोई भी फिलहाल तो एक्सेल वर्कबुक लेते हैं। थोड़ा सा फाइल हैंग हो गई है, 2 मिनट वेट कीजिए। तो आप जब डेटा किसी भी फाइल से लेते हो, जैसे कि मैंने यहां पे डेटा को लिया और इंपोर्ट कर लिया, हम डेटा को सिलेक्ट किए और लोड पे क्लिक कर। ये डेटा हमारा लोड हो गया, ठीक है। अब इसमें करना आगे क्या करना है, अब डेटा लोड हुआ, एक कंप्लीटली लोड हुआ, अब प्रॉब्लम आती है दो केस की। पहले केस, चलो एक्सेल टू एक्सेल लिंक कर रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन एक्सेल टू एक्सेस लिंक करेंगे, एक्सेस पे लाखों डेटा होगा, करोड़ों डेटा होगा, तो डेटा इस पूरा थोड़ी आ पाएगा, एक्सेल की अपनी लिमिटेशन है। तो मुझे यहाँ पे फिल्टर डेटा चाहिए। मैं चाहता हूं कि सिर्फ सितंबर का डेटा आए, या मैं चाहता हूं सिर्फ आईटी का डेटा आए, तो मुझे फिल्टर डेटा चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। तो यहां हम इंसर्ट, यहां पे डेटा मेनू बार में आते हैं और यहां हम फ्रॉम फाइल नहीं, फ्रॉम अदर सोर्सेस पे आते हैं। अदर सोर्सेस में फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी आपको दिख रहा है। इस माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे हम क्लिक करते हैं और यहां पे कई सारे डेटाबेस है, जैसे अमेजोन डेटाबेस है, आपके डी डेटाबेस, एक्सेल फाइल, एमएस एक्सेस, वीजीओ डेटाबेस। हम यहां पे सिर्फ एक्सेल की फाइल को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं। अब यहां पे आपके फोल्डर्स है और यहां पे आपके फाइल्स है, ये आपका ड्राइव है, ये आपका फाइल ड्राइव है। तो अपने हिसाब से फोल्डर पे जाए, उस फोल्डर के उस फाइल पे जाए। तो हम डेटा डॉट एक्सेल पे आते हैं एंड ओके करते हैं। फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको एरर देगा, तो आप ऑप्शन पे जाएं और यहां सिस्टम टेबल पे क्लिक कर दें। अनक्लिक होगा तो आपको एरर देगा, कुछ नहीं दिखेगा, एरर देगा। तो ऑप्शन पे जाएं और सिस्टम टेबल पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद मुझे इस डेटा का चाहिए। अब इस डेटा का पूरा एक पूरा फिल्टर, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ डेटा फिल्टर करना है, आप अपने हिसाब से कॉलम भी कर सकते हो कि मुझे कौन कौन कॉलम चाहिए और कौन कौन कॉलम नहीं चाहिए। जो चाहिए उसी को सिलेक्ट करके ऐड यहां पे करें, या पूरा चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके पूरा ही ऐड कर दीजिए। फिर नेक्स्ट, अब यहां पे आपको फिल्टर लगाना है, मतलब कि कंडीशंस। तो मुझे मंथ में अप्रैल का डेटा चाहिए, यहां पे कंडीशंस है अपने हिसाब से।
हमने इक्वल में लिया और इक्वल में हमने ले लिया अप्रैल, और भी कंडीशन है दूसरे फील्ड से, तो आप दूसरे फील्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट एंड देन फिनिश. अब यहां पे डेटा आप एज ए टेबल चाहिए या पिवट टेबल चाहिए या पिवट चार्ट चाहिए, तो मुझे चाहिए टेबल डेटा, मैं डेटा देखना चाहता हूं. यहां पे सिर्फ अप्रैल का ही डेटा आया, समझ में आ गया सर, या दोबारा बताऊं? विजय जी समझ में आ गया सर, लेकिन अप्रैल के बाद वाला डेटा जाए, किसके बाद वाला समझा रहे? अप्रैल, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताना जा रहा हूँ, ये तो अप्रैल का फिक्स हुआ, अब मुझे मई का चाहिए, तो मुझे पूरी प्रोसीजर को दोबारा फॉलो करना पड़ेगा क्या सर? तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाओ एन वन पे, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे मैं डेटा में ही, यहाँ पे हमारे पास वैलिडेशन है, इसके लिस्ट में हम यहां बना देते हैं जैन कॉमा फैब कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल कॉमा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है. अब मैं यहां से अगर जैन सेलेक्ट किया तो जैन का डेटा आना चाहिए, अगर फैब किया तो फैब का, मार्च किया तो मार्च का, एंड अप्रैल किया तो अप्रैल का डेटा आना चाहिए, ठीक है. तो हम इसी की क्यूरी में हम एडिट करेंगे कैसे, देखिए यहां पे क्यूरी एंड कनेक्शन पे चले जाइए, क्यूरी एंड कनेक्शंस, इस पर डबल क्लिक कीजिए तो इसकी प्रॉपर्टीज खुल के आ जाएगी, थोड़ा सा चेंज है 2019 यहां. उसके अगले सोर्स में यहां डेफिनेशन, अभी इसमें क्या क्या चीज देख लीजिए, इसमें जैसे कि अनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश है, रिफ्रेश एवरी कुछ मिनट्स कर दीजिए, रिफ्रेश गेंदा ओपनिंग फाइल कर दीजिए, उसके बाद टाइमर डाल सकते हैं ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए, ये सब चीज आपको दिया गया है. डेफिनेशंस में आपका ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसमें मान ले करके जब फाइल चेंज होता है नेम वगैरह तो चेंज कर सकते हैं. इसमें कुछ पासवर्ड वगैरह है तो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन आएगा, वो आप दे सकते हैं. और जो डेटा इंपोर्टिंग टाइप है क्यूरी, इससे पहले हमने जो इंपोर्ट किया था उसकी प्रॉपर्टी में जाकर देखते यहाँ पे टेबल होता, बट अब क्यूरी है हमारा, एसक्यूएल क्यूरी है, और यहाँ पे देखिए एसक्यूएल क्यूरी को लिखा गया है सिलेक्ट की में. तो यहाँ जो लास्ट में जो आपको अप्रैल किया गया है ना, इसी अप्रैल को चेंज करना है इसके सिंगल कोड के साथ, ब्रैकेट मत क्लिक कीजिए, और इसी के जगह पे आप जस्ट क्वेश्चन मार्क दे, और जैसे आप ओके करेंगे आपसे पूछेगा पैरामीटर. तो पैरामीटर देने से पहले जो चेकबॉक्स है यूज द वैल्यू रिफ्रेश फीचर रिफ्रेशर एंड रिफ्रेश ऑटोमेटिकली व्हेन द सेल वैल्यू चेंज, और इसमें आप जो आपका M1 है ना, M1 सेलेक्ट कर लीजिए एंड मई का डेटा सेट नहीं है, जून जुलाई, अच्छा M1 कर दिया, हमें N1 करना चाहिए, सॉरी
मुझे एक बार क्वेरी कनेक्शन दोबारा जाना पड़ेगा। और हमने गलती से M1 कर दिया था, N1 होना चाहिए था, लेकिन जब हमने मर्ज किया तो यहाँ पे चेंज हो गया। पैरामीटर्स L1 है, L1 में कर दीजिए N1, ठीक है। राइट सर, दीपक जी, विजय जी, जी सर, सुना रहे ना? जी सर। तो यहां पर मैं सिलेक्ट किया, हमारा चेंज हो रहा है। और इसी तरह से मान लीजिए आपका एक्सेस में है, मान लीजिए MS एक्सेस में डेटा है, उसको इसी तरह से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो पहले एक्सेस की फाइल एक बार देख लेते हैं। लिंक देता है यहाँ पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे अदर सोर्सेस, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल एक्सेस में MS एक्सेस एंड ओके। और यहाँ पे हम लिंक डेटा को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। कोलता टेबल, डेटा टेबल, नेक्स्ट, नेक्स्ट। कंडीशन देना है, ऑफ कोर्स देना है। इस बार इसमें एक कंडीशन नहीं, दो कंडीशन दे रहा हूं, मंथली चाहिए और यहाँ डिपार्टमेंट, हमने डिपार्टमेंट ले लिया, और डिपार्टमेंट में चाहिए इक्वल टू ID, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके, ठीक है। और इसकी भी क्वेरी को एडिट किया जा सकता है, कैसे? आप इसकी इस पे डिजाइन पे नहीं, आप इसके चले जाइए डेटा मेनू बार पे और यहाँ कनेक्शन क्वेरी, और डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर और डेफिनेशन यहाँ पे इसको लगा है, और यहाँ देखिए आईटी को मैंने यहाँ पे कर दिया इक्वल और मंथ हमारा किया। तो पहला डिपार्टमेंट होगा और दूसरा आईटी। जैसे ओके करेंगे, सबसे पहला पैरामीटर तो हमने बोल दिया यहाँ पे M1, इसको एक मिनट इसको सिलेक्ट करते हैं M1, और दूसरा पैरामीटर क्या है हमारा M2। मुझे दिख रहा है, अब M1 में मैं डालता हूं आईटी और यहां पे डालता हूं अप्रैल, आ गया सर जुलाई। तो इसमें और लगा हुआ है, तो एज लगा हुआ है, इसलिए आईटी का ही दिखाएगा। मुझे इस दोनों में से कोई एक चाहिए, अगस्त का दिखा दो या आईटी का दिखा दो, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर? यहां पे जहां पे आपका एंड है वहां पे और कर, समझ गए सर? तो यहां पे आईटी और अगस्त दोनों का दिखा रहा हूं, अगस्त का डेटा अगर डिलीट कर दिया सिर्फ आईटी का डेटा दिखेगा। ठीक है सर, दीपक जी, जी सर। अब इसमें आगे और भी चीजें इसमें है, लेकिन उसके लिए SQL की नॉलेज होनी चाहिए। क्या आप लोगों के पास SQL क्वेरी की नॉलेज है? क्योंकि यहां आप देखेंगे कि डेटा किससे आता है, सिलेक्ट कमांड से आता है,
इधर आपको सिलेक्ट, इस सिलेक्ट डेटा का कौन कौन से फील्ड चाहिए, तो सर आप फील्ड दिया हुआ होगा, किससे चाहिए, यहाँ पे पूरा पास दिया हुआ है, और क्या कंडीशन है, तो कंडीशन यहाँ पे, तो क्योंकि हम जब इसका यूज करेंगे तो हम खुद बहुत क्यूरी लिख सकते हैं, कैसे बताता हूँ आपको, कि गेट यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेस माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, और यहाँ पे मान लीजिए मैं एक्सेल फाइल को ही करता हूँ, ओके, और यहाँ पे अपना डेटा वाला फाइल ही लेता हूँ, और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ पे व्यू डेटा एडिट माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एंड फिनिश, आपकी अलग से क्वेरी खुल के आता है जिसमें हम सिंपल क्वेरी यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट दिया हुआ है, हमने सिर्फ सिलेक्ट स्टार कर दिया फ्रॉम द डेटा टेबल, ओके किया, फिर भी डेटा पूरा आ रहा है, मुझे इसमें कुछ टेबल चाहिए, इसमें कंडीशन लगाने हैं, या फिर कोई डेटा ऐड करना है, सब सम वगैरह का, वो चीजें भी हम यहाँ पे क्यूरी अपनी मर्जी से क्यूरी लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, तो इस तरह से भी सर डेटा है पूरा डॉलर बनाना पड़ेगा, ठीक है आ गया। इसमें और भी कुछ चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल ऐड करना, ओवर टाइम बोनस सैलरी का टोटल ऐड करना, कुछ कैलकुलेशन करना, ये कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिक्वल क्यूरी है ये हमें आनी चाहिए। तो आपको मैं अभी एक सिलेक्ट क्यूरी का लिंक दे रहा हूं, ठीक है, या फिर आपको लिंक क्या, आप सिंपल सा सर्च कर ले, यहाँ पे गूगल पे जाए, यहाँ पे लिखे SQL select query, ऐसे बहुत सारे आएंगे, W3 का भी आएगा, लेकिन एक आएगा टेक ऑन द नेट का, उसमें इजिली समझाया गया, या फिर W3 जो है इस पे भी जा सकते हैं, इसमें सॉरी W3 स्कूल है ना, ये भी बहुत अच्छी है लर्निंग, क्योंकि इसमें तुरंत इसका ये भी देख लेते हैं, तो सिलेक्ट फ्रॉम द कॉलम सिलेक्ट स्टार, डेटाबेस आपकी है, और यहाँ पे आप डालते हैं, करते हैं, यहाँ पे आप अपना रखेंगे तो ये भी आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी है। इसके नेक्स्ट में जाते हैं, तो सिंपल था, सिलेक्ट है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा वेयर एंड और बार अपडेट लीड ब्राउज़र, इसको भी देख सकते हैं, या फिर आप एक वेबसाइट है हमारे पास जिससे मैंने सीखा था W3 को, क्योंकि यहाँ पे क्या ना सर छोटे छोटे दिए हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो यहाँ पे हम टैग ऑन द नेट, टैग ऑन द नेट, टेक्निकल का टैग ऑन द नेट, इस पे जाते हैं, तो इसकी SQL ट्यूटोरियल में थोड़ा सा अच्छा है और ईजी है और समझाया गया है, तो आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सिलेक्ट को पढ़िए कि क्या होता है सिलेक्ट, इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से समझाया गया है इसको, ठीक है। इसमें ज्वाइन वगैरह भी समझाया गया है, एक बार इसको पढ़ लीजिए फिर हम उसको आगे करेंगे, ठीक है सर, ठीक है फिर, ओके, तो हम कल मिलते हैं आपके साथ, इसमें हम इक्वल क्यूरी को अच्छे से करेंगे, तब तक आप कुछ पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में जा रहा है। सर आज वाला रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए, जरूर जरूर, ओके बाय, सी टुमारो।